हल्द्वानी के बरसाती नाले में बहे 8 वर्षीय रिजवान का शव भगवानपुर की नहर से बरामद किया गया। बच्चे का शव मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। हल्द्वानी के बरसाती नाले में बहे 8 साल के मासूम रिजवान का शव लालकुआं के भगवानपुर गांव की नहर में मिला। बता दें कि नाले में बहे बच्चे की खोजबीन में पुलिस के साथ ही SDRF और NDRF की टीम भी लगी हुई थी। इस दौरान खेत में जा रहे एक व्यक्ति को बच्चे का शव दिखा, जिसकी सूचना उसने ग्राम प्रधान को दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नहर से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं SDM परितोष वर्मा ने परिजनों को आश्वासन देते हुए आपदा मद से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। और जब उनमें पानी इकट्ठा हुआ, जब नदी चढ़ा तो आगे निकला तो बच्चे का शव, फिर SDM साहब ने बता दिया कि यहाँ पर एक बहुत छोटी बूंद में बच्चा मिला है। सभी आगे और आज यहाँ पे छुपी भगवानपुर गाँव में जो गोल है, गोल में से चक्कर पर यहाँ पर आए, जैसे गोल भी NDRF, SDRF और पुलिस और भगवान जी की टीम है, उन्होंने सर्च किया, लेकिन बॉडी में से पता नहीं मिली। तो आज के ऑफिसर हमारा भी गाइड है, यहाँ के प्रधान जी ने उन्होंने हमें बरामद कर लिया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।